डुअर्स होप नामक एनजीओ द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट जो बागराकोट के भानु मैदान में 5 सितंबर से शुरू हुई थी, इसका फाइनल मैच 26 सितंबर को दर्शनपाड़ा स्पोर्ट्स एकेडमी और सेवक भीम 11 के बीच खेला गया। दर्शनपाड़ा ने सेवक भीम 11 को 2-0 से पराजित किया। फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच बने प्रदीम लामा तथा पूरे टूर्नामेंट में हाईएस्ट गोल स्कोरर रहे हेमराज भुजेल। उसी प्रकार सुजल मुंडा को मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। इस टूर्नामेंट में कालिम्पोंग तथा दार्जिलिंग जिले लगाए डुअर्स के टीमों ने भी भाग लिया था। गुलमा राइजिंग यूथ, बागराकोट यूनाइटेड तथा पाथरजोड़ा जैसे टीमों को पराजित करते हुए दर्शनपाड़ा फाइनल में पहुंचा था और फाइनल में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतिद्वंदी टीम सेवक भीम 11 को पराजित कर चैंपियन बना है। फुटबॉल खेल के समय काफी संख्या में दर्शक मौजूद थे। खेल शुरू होते ही दर्शकों तथा खिलाड़ियों में काफी उल्लास देखा जा रहा था। हमने दर्शनपाड़ा स्पोर्ट्स एकेडमी के प्लेयर आदित्य थापा से टीम के प्रदर्शन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, टीम को एफर्ट अनि प्लेयर को राम्रो पर्फर्मेन्सले गर्दा अहिले हामीहरु म्याच सबै जितिरहेछ। अब हाम्रो टीम म्यानेजर उत्तम थापा अनि हाम्रो कोच विमल मुखिया को धेरै अब हात छ हाम्रो पछाडि, अन्त हाम्रो सम्पूर्ण अब डिएसए अब फ्यामिली सबैले अब राम्रो सपोर्ट गर्दैछ। हाम्रो टिम म्यानेजर टिम कोचले गर्दा अब डिएसए जुन चाहिँ फ्यामिली छ सबैको सपोर्टले गर्दा हाम्रो दर्शनपाडा स्पोर्ट्स एकाडेमी एउटा राम्रो मुकाममा पुगेछ, अलिकति सफल भएको छ। दर्शनपाड़ा स्पोर्ट्स एकेडमी का प्रदर्शन बीते कई सालों से बेहतरीन रहा है। यह टीम दो बार 2019 और 2020 में डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी रही है। उसी प्रकार हाल ही के दिनों में दलगांव में हो रही फुटबॉल टूर्नामेंट में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज के दिनों में दर्शनपाड़ा डुअर्स की नंबर वन टीम है। वहीं बात करें बागराकोट फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजक डुअर्स होप की तो आज भी डुअर्स होप जैसी कई संस्थाएं हैं जो फुटबॉल प्लेयर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम कर रहे हैं। हमने डुअर्स होप के फाउंडर सोनल छेत्री से इस टूर्नामेंट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, एक समय था जब बागराकोट में हर साल फुटबॉल मैच का आयोजन होता था, लेकिन विभिन्न कारणों से बीते हुए सालों में फुटबॉल मैच का आयोजन नहीं हो पा रहा था। लेकिन हम सब डुअर्स होप के ऊर्जावान युवा युवतियों की तत्परता से हम इस टूर्नामेंट को कराने में सफल हुए हैं। डुअर्स होप की तरफ से विजय टीम को ढेर सारी बधाई है। धन्यवाद।